हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन जेल। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। और ये पूरा बोतल मैंने बनाया हुआ था, पूरा फिल किया हुआ था, तो अभी यूज करते करते हाफ रह गया है, क्योंकि ये रेमेडीज बनाई मैंने अराउंड 2 मंथ पहले बनाई हुई थी, तो मैं बीच में नहीं थी तो मैं बना नहीं पाई थी। तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा था, पर बना नहीं पाई थी वीडियो, इसलिए रह गया। तो मैंने हाफ यूज कर लिया है और ये आप देख सकते हो, इसके अंदर बबल्स ऑक्सीजन के आप देख सकते हो। और ये वीडियो में जो ये ऑक्सीजन जेल, इसका नेम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारी स्किन को ऑक्सीजन देता है। मीन्स समर में क्या होता है कि बहुत सारी गर्मी रहती है, स्वेटिंग रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो पोर्स रहते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। पोर्स बंद हो जाते हैं तो हमारी, जैसे हम खुद सांस लेते हैं वैसे ही हमारी स्किन भी सांस लेती है। तो हमारे जब पोर्स बंद हो जाते हैं तो उसको हम, स्किन हमारी सांस नहीं ले पाती, और उसकी वजह से हमारी स्किन में जो नमी चली जाती है, हमारे स्किन के जो ऐसे मुरझाई सी लगती है, तो वो उसकी वजह से लगती है क्योंकि हमारी स्किन को भी ऑक्सीजन नहीं मिलता इसकी वजह से। तो आज हम जो ये मैं जेल बनाने वाली हूँ, तो उसमें सेम वही चीज़ें, कुछ चीज़ें वाटर बेस्ड हैं, उसके अंदर जाएगी तो वाटर की वजह से, वाटर का पता ही है आपको कि उसमें, सॉरी थोड़ा सा नॉइज आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर। और उसको वाटर का आपको पता ही है कि उसमें रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहते हैं, और ये इसमें रहेगा। और दूसरे ऐसे प्रॉपर्टीज हमने इसमें डाली हुई है जिसकी वजह से हमारी स्किन की नमी बरकरार रहेगी, स्किन में मॉइस्चर रहेगा और हमारी स्किन एकदम फ्रेश और एकदम तरोताज़ा रहेगी ये समर में भी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये ऑक्सीजन जेल बनाया हुआ है। सो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल यहाँ पे 3 स्पून लेना है, और यहाँ पे एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही लेना है, घर का नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो ये जेल बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें मार्केट वाला ही चाहिए। तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 3 स्पून एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा में भी एक वाटर रहता है, वाटर बेस्ड ही रहता है वो जेल, और उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे स्किन को नेचुरली फ्रेश फील करती है, फ्रेश रखती भी है, और दूसरा उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो हमारे स्किन को क्लीन करता है, और हमारे स्किन में जो भी दाग धब्बे वगैरह है तो उसको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर 3 स्पून हमें एलोवेरा जेल रहना है। तो अभी हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो आएगा वो है यहाँ पे रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर इसलिए लिया हुआ है, एक तो वाटर है, वाटर में आपने, आपको पता ही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंटेंट रहते हैं, और यहाँ पे हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो रोज़ वाटर में से ही मिलने वाला है। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे उसमें से हमें ये जो हमारा जो ऑक्सीजन जेल बनेगा और उसका रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस रेमेडीज को जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे रोज वाटर लिया है मैंने 10 स्पून, क्योंकि पहले मैंने 6 स्पून डाला और उसके बाद मुझे थोड़ा सा इसको कम लगा, तो मुझे और उसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म चाहिए था, इसके लिए मैंने और थोड़ा सा 4 स्पून रोज वाटर डाला। रोज वाटर आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं तो पतंजलि का जो रोज वाटर आता है वो बहुत अच्छा आता है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो परचेज कर सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि पतंजलि का जो रोज वाटर है उसमें नेचुरल जो उसकी कंटेंट है वो नेचुरल कंटेंट ही है उसके अंदर, और कुछ आर्टिफिशियल इसके अंदर कुछ डाला हुआ नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप उसको जरूर ट्राई कर सकते, मार्केट में उस और भी है, लेकिन उसमें रोज वाटर से रोज के कंटेंट ज्यादा और दूसरे केमिकल्स वगैरह डाला हुआ है। तो इसके लिए अगर आपको प्योर चीज चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, तो आप पतंजलि का
अपना यूज जरूर करिएगा। और इसके बाद हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स आएगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको पता ही है कि वो हमारे स्किन की नमी को लॉक करने में, स्किन को मॉइस्चर रखने में और स्किन को फ्रेश रखने में बहुत ज़्यादा और स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 स्पून ग्लिसरीन लिया हुआ है। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, जनरली आप सब मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, तो वहाँ परचेज कर सकते हो आप वहाँ से। तो यहाँ पे 1 स्पून हमें ग्लिसरीन लेना है। अभी हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स आएगा विनेगर। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून विनेगर लिया है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है 1/4 टीस्पून। और ये भी मैंने पतंजलि का यूज़ किया है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। और यहाँ पे मैंने 1/4 ही, इसकी आप थोड़ा सा मात्रा में ध्यान रखिएगा, हमें 1/4 ही टीस्पून लेना है क्योंकि विनेगर हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते और हम डायरेक्ट भी यूज़ नहीं कर सकते स्किन में, तो इसको किसी के साथ हमें मिक्स करके यूज़ करना रहता है। तो यहाँ पे हम जो विनेगर डालेंगे उसकी वजह से हमारे ये जो जेल में बबल्स बनते हैं तो उसकी वजह से बनते हैं, और इसलिए यहाँ पे 1/4 टीस्पून लेना है। आप कोई भी ब्रांड का एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो और इसमें आप स्किप नहीं कर सकते, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सारे डालने मस्ट है, तो भी तो हमारा जो हमें रेमेडीज़ का जो रिजल्ट चाहिए वो तभी तो हमें मिल पाता है। इसलिए प्लीज आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस मत करिएगा। अभी हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स आएगा विटामिन ई का कैप्सूल्स। यहाँ पे मैंने 1 विटामिन ई का कैप्सूल्स लिया है और इवियन का आपको पता ही है कि इवियन का अच्छा आता है, तो कोई भी मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगा। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है वो आप सबको पता ही है, और यहाँ पे सिर्फ हमें 1 ही डालना है क्योंकि समर है, तो अगर हम ज़्यादा कुछ डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा ऑयल क्रिएट करेगा और हमें ऑयली इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें एकदम ऐसा इफेक्ट चाहिए जो स्किन ग्लो करे और स्किन में हमें ज़्यादा हेवी भी ना लगे और स्किन में सारी चीज़ें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। ताकि वरना फिर क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा सब ये ऑयल वगैरह वो सब हो जाएगा तो स्किन पे चिपचिप लगेगा, हेवी हो जाएगा और उसकी वजह से फिर पिंपल और ब्लैक हेड्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अभी हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स आएगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 स्पून। कोकोनट ऑयल स्किन को नरिशमेंट के लिए और स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी है तो इसमें सिर्फ 1/2 स्पून हमें कोकोनट ऑयल लेंगे तो हमें वो चीज़ें ऑयलिंग इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा, सो डोंट वरी। और ये सब चीज़ें करने के बाद अभी हम ये सारे चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ मैंने ग्लास में ही लिया हुआ है क्योंकि ग्लास में हम मिक्स करने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं सारी चीजें मिक्स कर रही हूँ तो आप नीचे आपको दिख रहा होगा कि कैसे बबल्स बने हुए हैं, तो ये क्या है, यही तो हमारा, इससे ही तो हमें दिखता है कि ये हमारा ऑक्सीजन जेल है। और इसको आप सुबह शाम जब भी फेस वॉश करो उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने जैसे हर एक वीडियो में बताती हूँ क्योंकि पता नहीं रहता, हर बार अलग अलग व्यूअर्स रहते हैं, तो उसको अप्लाई करने का मेन यही है कि दोनों हाथों में लेके हमें इसको अप्लाई नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इससे हमें क्या होता है वो ज़्यादा चीज़ें हमारे पाम में ही रह जाती हैं, फेस में कुछ नहीं आता। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा हमने जेल जिसमें हमने कंटेनर में डाला हुआ है तो बस उसमें से पैसे हमें उंगली ऐसे करके फिर ऐसे फेस पे हमें इस तरह से अप्लाई करना है। तो ऐसे छोटे छोटे पहले ऐसे आप डॉट डॉट करके लगा लीजिए जेल पूरे फेस पे, तो उससे क्या होगा कि हमारे फेस पे पूरा जेल इवनली अप्लाई होगा और अच्छे से हम अप्लाई कर पाएंगे। हम जैसे हाथ में लेके करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो सिर्फ हमारे हाथ में ही रह जाता है, फिर हमारे फेस पे हम कुछ नहीं रहता। फिर उसके बाद आप इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, इवनली हमारे फेस में लगेगा ये, और ये जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक हमें इस तरह से इसको लगाना है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि कुछ लगाया हुआ है फेस पे
और एकदम पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको फ्रेश फील होगा आपकी स्किन में। और समर में यही रहता है कि हम कुछ भी लगाओ तो हमें स्वेटिंग आती है, इससे कुछ नहीं होगा, आपको स्वेटिंग भी नहीं आएगी, आपका मतलब ये स्वेट प्रूफ है, आपका स्वेटिंग भी कंट्रोल करेगा इससे। तो ये बहुत मतलब एक चीज़ नहीं है, इससे आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा है ऑक्सीजन जेल। और आई होप आपको ये रेमेडी जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है बीके योगा, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे।